तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न इंडिया कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द बुक स्पेक्ट्रम। ओके, अभी चैप्टर नंबर लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो हमने उस समय देखा था कि बिफोर 1857 कई सारे रिवॉल्ट्स, कई सारे रेजिस्टेंस हुए। ठीक है, हमने सिविल रेजिस्टेंस देख लिया था। अभी हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट विद रिलीजन, ठीक है, ओवरटोन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिविल में जो लोग कर रहे थे तो कर रहे थे, बट कुछ पीजेंट्स मतलब कैदी या फिर आप कह सकते हैं फार्मर, वो वाले भी मूवमेंट हुए। कुछ रिलीजियस मूवमेंट भी इसमें हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पागल पंथीज के बारे में। पागल पंथीज एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था, मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ हजोंग एंड गारो ट्राइब्स, ठीक है, ऑफ मायन सिंह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो पहले बंगाल में था। ठीक है, अभी गारो वो हिल्स आपको याद ही होगा। ठीक है, तो इसको फाउंड किया था करम शाह ने। ठीक है, करम शाह मतलब ट्राइबल पीजेंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व अंडर करम शाह सन टीपू टीपू टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स। ठीक है, जमींदार लोग जो इनको दबा रहे थे उनसे ओवरकम करने के लिए ये जनरली बेसिकली किया गया था। 1825 से 1835 तक ये हुआ। पागलपंथीज रिफ्यूज टू पे रेंट अबव ए सर्टेन लिमिट एंड अटैक द हाउस ऑफ जमींदार्स। ठीक है, तो जमींदार के घर पर ये लोग अटैक करते थे। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन इक्विटेबल अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट दीज पीजेंट्स बट द मूवमेंट वॉज वायलेंटली सस्प्रेस्ड। ठीक है, तो इनको सरकार ने उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने इसको सस्प्रेस कर दिया, दबा दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फराइजी रिवोल्ट की। फराइजिस रिवोल्ट क्या था? फराइजिस रिवोल्ट वर फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाय हाजी शरीयत अल्लाह ऑफ फरीदपुर। ठीक है, इन ईस्टर्न बंगाल, यहाँ पे ये उभरा। दे एडवोकेटेड रेडिकल रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। ठीक है, ये बात करते थे सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस की। दे फिर क्या होता था, सरियत उनके जो सन थे दाबू मियाँ, ठीक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए। ठीक है, चेंजेस सरियत अल्लाह सन दाबू मियाँ ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर विद द एम एक्सपेल द इंग्लिश इंट्रोड्यूस फ्रॉम बंगाल। ये कहते थे कि जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस किए हुए हैं बंगाल में, जो उनका वो है उसको हम निकालें। ठीक है, द सेक्ट ऑल्सो सपोर्टेड कॉज ऑफ द टेनेंट अगेंस्ट द जमींदार, जमींदार के खिलाफ भी ये लड़ रहे थे। द फराइजी डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यू फ्रॉम 1838 टू 1857। मोस्ट ऑफ द फराइजिस ज्वाइन द वहाबी रैंक्स। ठीक है, मोपला अपराइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा। मोपला अपराइजिंग कई बार पूछा गया है। हाइक इन रेवेन्यू डिमांड एंड रिडक्शन इन द फील्ड साइज कपल्ड विद द ऑपरेशन ऑफ द ऑफिशियल रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड पीजेंट अनरेस्ट अमंग द मोफला ऑफ मालाबार। ठीक है, छोटे से जमीन पर, भूमि पर ज्यादा कर लगाने के विरुद्ध योग हो गया था। 22 रेवेलियंस टू प्लेस बिटवीन 1836 टू 1854, नॉन हाउएवर प्रूव सक्सेसफुल, ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर बात करना है पीजेंट्स रोल इन 1857 रिवॉल्ट। पीजेंट्स पार्टिसिपेशन वाज एक्टिव ओनली इन सम एरिया अफेक्टेड बाय 1857 रेबेलियन। ठीक है, मेनली दोज इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मोर ओवर द पीजेंट्स यूनाइटेड विद द लोकल फ्यूडल लीडर्स इन मेनी प्लेसेस फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल। ठीक है, तो पीजेंट्स काफी हद तक इसमें इन्वॉल्व थे। ट्राइबल रिवोल्ट क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ रिलीजियस पीजेंट और सिविल नहीं था, ट्राइबल लोग भी इसमें उठ उठ के आए। ठीक है, डिफरेंट कॉजेस फॉर मेनलैंड एंड नॉर्दर्न ईस्ट ट्राइबल रिवोल्ट। ठीक है, अलग अलग कारण थे। ट्राइबल मूवमेंट कैन बी एनालाइज्ड बेटर कैटेगराइज्ड इनटू मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स कंसंट्रेटेड मेनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये ज्यादा देखने को हमें मिला। द मेनलैंड ट्राइबल रिबेलियन वेर स्पार्क्ड ऑफ बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, एन इम्पॉर्टेंट वन कंसर्न विद द ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट। द लैंड सेटलमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश अफेक्टेड द ज्वाइंट ओनरशिप ट्रेडिशन एमंग द ट्राइबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिसरप्टेड देयर सोशल फैब्रिक्स। ठीक है,
लैंड सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश अफेक्ट द ज्वाइंट ओनरशिप ट्रेडिशन। ठीक है, एक जमीन था उसमें तीन भाई थे, वो वहाँ पे मिलके खात मतलब खेती करते थे जो भी। इस वाले सिस्टम को ब्रिटिश के जो नए रूल ने हैम्पर किया। ठीक है, द एज एग्रीकल्चर वॉज एक्सटेंडेड इन ए सेटल्ड फॉर्म बाय द कंपनी गवर्नमेंट द ट्राइबल्स लॉस्ट देयर लैंड एंड देयर वॉज एन इनफ्लक्स ऑफ नॉन ट्राइबल टू दिस एरिया। ठीक है, जो कंपनी थी वो एग्रीकल्चर में काफ़ी अलग तरह से कर रही थी। ठीक है, इससे क्या होता था, ट्राइबल लोगों का, वो ज़्यादा खेती करेंगे तो जंगल काटेंगे, ट्राइबल लोगों के लैंड में ये लोग इंटरवीन कर रहे थे। ठीक है, तो वो इनको पसंद नहीं था, फॉरेस्ट काट रहे। इस तरह से सेकंड कारण ये था, एक्सप्लोटेशन बाय द पुलिस ट्रेडर मनी लैंडर। ठीक है, एग्रावेटेड ट्राइबल सफरिंग। ठीक है, फिर विद द एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म क्रिश्चियन मिशनरी केम दिस, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन लोगों ने उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगे। द मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट। तो ये था द मूवमेंट ऑफ द, इन दोनों का मूवमेंट अलग अलग तरह से हुआ। फॉर वन थिंग द ट्राइब्स वीज शेयर ट्राइबल एंड कल्चरल लिंक विद कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर डिड नॉट कंसर्न देमसेल्फ मच विद द नेशनल स्ट्रगल। ठीक है, जो कि ट्राइबल्स की क्या है, कल्चर वल्चर सब अलग है, इसलिए नेशनल जो मूवमेंट चल रहा था इससे इनका कुछ ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पॉलिटिकल सब में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं था। सेकेंडली, दीज मूवमेंट्स वेर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड और एग्रेरियन रिवोल्ट एज दीज ट्राइबल्स वेर जनरली इन कंट्रोल ऑफ द लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया। द ब्रिटिश एंटर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मच लेटर दैन द नॉर्थ नॉन फ्रंटियर ट्राइबल एरिया। थर्डली, द फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट अंडर द ब्रिटिश कंटिन्यूड फॉर द लॉन्गर टाइम दैन द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, डी संस्कृताइजेशन मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड एमंग द फ्रंटियर ट्राइबल्स। ठीक है, द मीटीज ऑर्गेनाइज द मूवमेंट ड्यूरिंग चूरचंद महाराजा जरूर। ठीक है, टू डिनाउंस द माल प्रैक्टिस ऑफ द नियो वैष्णविटी ब्राह्मणिस सांस्कृताइजेशन मूवमेंट वेयर ऑलमोस्ट टोटली एबसेंट इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन एंड कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स। ठीक है, ट्राइबल रिवॉल्व्स क्या कैरेक्टरिस्टिक, ट्राइबल आइडेंटिटी एंड एथनिक टाइज ले बिहाइंड द सॉलिडरिटी शोन इन दिस ग्रुप, नॉट ऑल आउटसाइडर्स वेयर सीन एज एनिमी। सारे लोगों को एनिमी नहीं मानते थे, जो लोग उनको क्षति पहुंचाते हैं वही। ओके, कॉमन कॉज वाज रिजेंटमेंट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ लॉ बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। ये एक कॉमन प्रॉब्लम था, जो कि ऐसी लॉ थी जो उनकी हैबिटेट को खराब कर रही थी। मैनी अपराइजिंग वर लेड बाई मशिया लाइक फिगर हु एनकरेज द पीपल। ठीक है, रिवॉल्ट, कुछ ऐसे लोग आ जाते थे जो इनको बोलते थे कि मशिया है, मशिया होता ना, तो लोगों को उसका वो लोग करवाते थे, बहुत बार ऐसा भी हुआ है। ट्राइबल अपराइजिंग्स वेयर डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग गिवन द आउटडेटेड आर्म दे फॉट विद अगेंस्ट द मॉडर्न। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक में एक आता है, ये लोगों के पास जो लड़ाई कर रहे थे ट्रेडिशनल था, तीर भाला ये सब, और इनके पास गोला बारूद। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स क्या हुए, पहाड़िया लेबेलियन, पहाड़िया होता क्या है, ब्रिटिश पहाड़िया लेबेलियन एक है। ठीक है, राजमहल हिल्स में देखने को हमें पहाड़िया राजमहल हिल्स में अपराइजिंग हुआ वहाँ पे ब्रिटिश एक्सपेंशन के खिलाफ 1778 में। ठीक है, चुआर अपराइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। चुआर अपराइजिंग क्या है, ये फामाइन एनहैंड फेमिन है फीमेल्स का, एनहैंस्ड लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस गोडेड द चुआर अब ओरिजिनल ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल महल ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो द बंकुरा डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल टू टेक अप आर्म्स। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो बंदूक उठाने में भी मजबूर हो गए। दीज ट्राइब्स पीपल वेर बेसिकली फार्मर्स एंड हंटर्स। द अपराइजिंग लास्टेड फ्रॉम 1676 to 1772 एंड देन अगेन सरफेस्ड बिटवीन 1795 ठीक है 1795 to 1860 प्रोमिनेंट इन मानभूम एंड बाराभूम। ठीक है, स्पेशली इन द हिल्स बिटवीन बाराभूम एंड घटशिला। ठीक है, इस बीच में ये देखने को हमें मिला चुआर। ठीक है, फिर आता है कोल म्यूटिनी, 1831 में दिखा जाता है
चुलार मूवमेंट को वो रिवोल्ट ऑफ द जंगल महल भी कहा जाता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, कभी पूछे कि रिवोल्ट ऑफ द जंगल महल किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये चुआर मूवमेंट को ही कहा जाता है, चुआर रिवोल्ट को ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है कोल म्यूटिनी। कोल्स जो थे ये कहते हैं एक ट्राइब था कोल्स, ठीक है, एलोंग अदर ट्राइब्स इनहैबिटेड इन द छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पे ये लोग थे। दिस कवर्ड रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामाऊ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मानभूम, ये एरिया को कवर करता था। ट्रबल इन 1831 स्टार्टेड विथ लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ द लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू आउटसाइडर लाइक हिंदू, सिख, मुस्लिम फार्मर एंड मनी लैंडर्स हु वेर ऑपरेसिव एंड डिमांडेड हैवी टैक्सेस, ठीक है, यहाँ से ये इसका कारण था। वहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा बाहर के लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी, तो वो लोग ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते थे ज़मीनों पर, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, द कोल रेजेंडेड दिस एंड इन 1831 अंडर द लीडरशिप ऑफ बूढ़ो भगत, ठीक है, द कोल रेबल किल द बर्नड अबाउट द 1000 आउटसाइडर, ठीक है, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। हो एंड मुंडा अपराइजिंग 1822-1837, द राजा ऑफ पराहट ऑर्गेनाइज हिज हो ट्राइबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम, ठीक है, नाउ इन झारखंड। द रिवोल्ट कंटिन्यू टिल 1827 व्हेन द हो ट्राइबल्स वेयर फोर्स्ड टू सबमिट, ठीक है, तो ये जो थे यहाँ पे जो उनके किंग थे उन्होंने इनको भड़काया, बोला कि आप रिवोल्ट करो, उन्होंने किया और हार गए। हाउएवर लेटर इन 1831 दे अगेन ऑर्गेनाइज रेबेलियन जॉइंड बाय द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर टू प्रोटेस्ट अगेन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी एंड एंट्री ऑफ बेंगलीज इनटू देयर रीजन, ठीक है। दो द रिवोल्ट वाज एक्सटिंग्विश्ड इन 1832 द हो ऑपरेशंस कंटिन्यू टिल 1837 नो वेयर द मुंडाज टू बी क्वाइट फॉर लॉन्ग, ठीक है, मुंडाज और ये दोनों मिलके इन्होंने किया, ठीक है, रिवोल्ट किया, ओके। चलिए सांथल रेबेलियन फिर क्या होता है, एक रेबेलियन हुआ 1855-56 जिसको कहते हैं सांथल रेबेलियन, ठीक है। सांथल जो थे एक ट्राइब है, ठीक है, दो एग्रीकल्चरल पीपल हैं हु आर फ्लेड टू सेटल इन द प्लेन ऑफ द राजमहल हिल्स बिहार में, लेड टू द सांथल रेबेलियन अगेंस्ट द जमींदार द मनी लैंडर हु हैड द सपोर्ट ऑफ द पोलिस एमंग अदर्स हैड ज्वाइन द जमींदार्स टू ऑब्जेक्ट द पीजन टू सस्प्रेस एग्जैक्शन एंड डिस्पोजिशन ऑफ लैंड्स द रेबेलियन, ठीक है, टर्न इन टू एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट अंडर सिद्धू एंड कानू, ठीक है, टू दो भाई थे। द सांथल्स प्रोक्लेम्ड एन एंड टू कंपनी रूल, ठीक है, संथाल्स कहते थे कि मैं कंपनी रूल अब खत्म करो एंड डिक्लेयर द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल आज ऑटोनोमस, द रेबेलियन वॉज सस्पेंड बाई 1857-56, ठीक है दोस्तों। खोंड अपराइजिंग क्या हुआ, खोंड 1837 में देखने को मिला, ठीक है, दो साल रहा। द खोंड ऑफ द हिली रिएक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम ओडिशा टू श्रीकुलम एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, रिवोल्टेड अगेंस्ट कंपनी रूल, ठीक है, तो ये चक्रा बिश्नोई इनके फेमस। फिर आता है कोयर रेवल्ट। कोयर रेवल्ट ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक में देखने मिलता है, आजकल मध्य प्रदेश इसको कहते हैं, ज्वाइंड बाय खोंडा सारा चीफ, ठीक है, रेवल्ट इन 1803, ठीक है, 1840 एंड 1845 अंडर थॉमस होरा, ठीक है। देयर कंप्लेंट वेयर ऑस्प्रेशन बाय पुलिस एंड मनी लैंडर्स न्यू रेगुलेटरी रेगुलेशंस एंड डिनाइल ऑफ कस्टम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ कोया रेवोल्यूशन रेवोल्ट। फिर भील रेवोल्ट हुआ, भील रेवोल्ट, भील्स हु लिव्ड इन द वेस्टर्न घाट कंट्रोल द माउंटेन पासेस बिटवीन द नॉर्थ एंड डेक्कन, ठीक है, देयर रिवोल्टेड अगेंस्ट कंपनी रूल इन 1817-1819, ठीक है, आज दे हैड टू फेस फेमिन, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड मिस गवर्नमेंट, द ब्रिटिश यूज्ड बोथ फोर्स एंड कंसोलेटरी एफर्ट्स टू कंट्रोल द अपराइजिंग, ठीक है, काफ़ी चेष्टा किया बट इन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है। कोली राइजिंग हुआ इस तरह से, ठीक है, कोली राइजिंग हुआ, कोलीज लिविंग इन द नेबर ऑफ द भील्स रोज अप इन द रेबेलियन अगेंस्ट द कंपनी। रामसोई राइजिंग हुआ, ये भी उसी तरह से वेस्टर्न घाट में थे, इन्होंने खिलाफ कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखें,
इस तरह से काफ़ी चीज़ें हुई। और ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, खासी अपराइजिंग पहले हमने पढ़ा, ठीक है, ये बॉक्स को जरूर पढ़िएगा, इससे इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है। सिंगपोस रिवेलियन क्या है, द रेबिलियंस ऑफ द सिंगपोस इन असम इन अर्ली 1830s वॉज इमीडिएटली क्वेल्ड बाय दे कंटिन्यूड विद ओरिजिन रिवॉल्ट, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी, अब बात करते हैं हम लोग सिपाही म्यूटिनी की 1857, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा, इससे पहले वाले को जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। इसके कॉज क्या था, डिस्क्रिमिनेशन इन द पेमेंट ऑफ प्रमोशन, ठीक है, सिपाही जो भर्ती हुए थे ब्रिटिश आर्मी में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, मिसट्रीट ऑफ द सिपाही ब्रिटिश ऑफिसर्स मिसट्रीट होता था, ठीक है, रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू पे फॉरेन सर्विस, ठीक है, रिलीजियस ऑब्जेक्शन, ठीक है, हाई कास्ट हिंदू, ये सब रिलीजियस, ठीक है। फर्दर द सिपाही शेयर ऑल द डिस्कम्फर्ट एंड ग्रेवियन सोशल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक, ठीक है, अफेक्टेड द सिविलियन पॉपुलेशन, ठीक है। ओवर द ईयर द अपर कास्ट सिपाही हैड फाउंड देयर रिलीजन बिलीव इन कॉन्फ्लिक्ट विद देयर सर्विस कंसर्न, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट म्यूटिनीज क्या था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट म्यूटिनीज विच ब्रोक आउट ड्यूरिंग प्री 1857 पीरियड आर दस फॉलोइंग द यूनिटी ऑफ द सिपाही इन बंगाल इन 1764, द वेलोर म्यूटिनी इन 1806, म्यूटिनी ऑफ द सिपाही 47 नेटिव इन्फेंट 1824, रिवोल्ट ऑफ द ग्रेनाडियर कंपनी इन असम इन 1825, म्यूटिनी ऑफ एन इंडियन रेजिमेंट स्कॉलर इन 1838, द म्यूटिनीज ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री NI द 1849, ठीक है। तो द म्यूटिनी ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 22nd 66, ठीक है, इस तरह से काफ़ी 1857 से पहले हो चुके थे, ठीक है। वीकनेस ऑफ द पीपल समझ जाएंगे, अब इतना सारा रिवॉल्ट हुआ, ये सब हुआ, फिर भी उनमें कमी क्या रह गई जिसके लिए वो सफल नहीं हो पाए। अपराइजिंग ड्रू लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट बट वेर इनफैक्ट लोकलाइज एंड ऑकर्ड आर डिफरेंट टाइम, ठीक है, अलग अलग, हालांकि एक साथ बहुत लोग उठते थे बट अलग अलग समय पर उठते थे। मोस्टली अरोज आउट ऑफ लोकल ग्रेवियंस, ठीक है। द लीडरशिप वॉज सेमी फ्यूडल इन नेचर, ठीक है, इन मैनी ऑफ दिस रिवॉल्व सीम्ड सिमिलर टू वन अनदर, these rebellions were centuries old in form and ideological cultural content, ठीक है। तो these are not cooperative, ठीक है, uncooperative थे, method इसका इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। summary है, इसको एक बार जरूर से याद से पढ़िएगा क्योंकि बहुत important है, इसमें तो चीज़ों की उसकी hierarchy हमें याद रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे खत्म होता है हमारा 6th चैप्टर, अगर अगले चैप्टर हम मिलेंगे 7th चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, जय हिंद।